एके मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर है, उनका एक एक मिनट का शेड्यूल अगर हम देखें तो बहुत टाइट है। वो सीईओ से मिल रहे हैं, वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं और तमाम तरह कई दिनों के बाद वो विदेश यात्रा पर गए हैं, तो जो भी बायलेटरल इश्यूज है भारत के उन पर वो चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। लेकिन इस पर जय होने की बजाय, पूरी दुनिया में इसकी जय हो रही है, लेकिन कांग्रेस में भय दिखाई दे रहा है। वो वैक्सीन का सवाल उठा दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं फोटो खिंचवाने चला गया, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक जो सबसे मेजर शिफ्ट आया है भारत की विदेश नीति में, अगर ग्लोबल पॉलिसी में देखें, इसके पहले तक यानी 2014 के पहले भी प्रधानमंत्री लोग जाते थे, लेकिन वो बड़े कंटेन्ड रहते थे, लिमिटेड रहते थे। यानी जो अपने देश के लिए या जिस मसौदे के लिए जा रहे हैं उस समझौते पे दस्तखत करना, और वहां पे वो ऐसी कोई बात नहीं करते थे जो दुनिया के दूसरे देशों से रिलेटेड हो। चेंज ये आया है कि अब की बार प्रधानमंत्री जी, जो मोदी जी जितने भी विदेश दौरे कर रहे हैं उसमें भारत का जो इंटरनल हित है, जैसे समझ लीजिए कोई रक्षा समझौता हो गया, बिजनेस से रिलेटेड कोई समझौता हो गया, वो है ही। लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया है, जहां पे हम सदियों तक सोए रहे वो ये रहे, वो चेंज ये आया है, डायनामिक्स में शिफ्ट ये आया है कि आज भारत पूरी दुनिया में रणनीति क्या हो, नीति क्या हो, कौन से देश को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, हैंडल किया जाए, इस पे बात हो रही है जी। आप इसके महत्व को समझिए। हजारों साल पहले कभी ऐसा होता था, जो भारत को विश्वगुरु बोला गया है वो इसलिए बोला गया था कि वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता था, दूसरे देश की भी नीतियां जो है भारत से प्रभावित होके बनती थी। ये काम हजारों साल के बाद पहली बार शुरू हुआ है। आप ये सारी चीजें मैटरलिस्टिक चीजों को हटा दीजिए, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी अगर गए हैं, पाकिस्तान को भी टैकल कर रहे हैं, चाइना को भी टैकल कर रहे हैं, उसके बाद अमेरिकन कंट्रीज जो है, अमेरिका की नीति क्या हो, ये चीज भी इन्फ्लुएंस भारत से हो रही है, यूरोपियन देशों की जो है क्या हो, फ्रांस और इन सब चीजों की नीतियां क्या हो, उनकी आइडियोलॉजी क्या हो, ये भी आज भारत से इन्फ्लुएंस हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की भी नीतियां। इतने व्यापक पैमाने पे प्रभावित करना ये दिखाता है कि भारत अपना राष्ट्र अब करवट ले चुका है, अब जाग रहा है, ये सबसे बड़ा शिफ्ट है। रही बात दूसरे लोगों को, जैसे जो लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है, इसके पहले भी उन्होंने कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात नहीं की, अपना सेल्फ कंटेंट रहते थे, अपने लक्ष्यों तक निर्धारित उनका सारा प्रोग्राम रहता था। उसके बाद आज तो बिल्कुल भी काम नहीं है कि वो ग्लोबल लेवल पे समझ सके। उनको अपनी जो है सांसदी और विधायक का जो चुनाव है, जो क्षेत्र है, जियोग्राफिकल एरिया, विपक्ष के नेता या तो अपने विधायक वाले सीट जो एरिया है 10-15 किलोमीटर का वहां तक लिमिटेड है, जो कभी सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, वो 1-2 जिले तक लिमिटेड है। इतने वो मजबूर और दकियान सुनी हो चुके हैं कि वो उसके बाहर सोच ही नहीं रहे, इसलिए शिकायतें ऐसी आ रही कि जी हमारे यहाँ कोवैक्सीन या वैक्सीनेशन के सेंटर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत के दिनों में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव थे प्रधानमंत्री जी। अब एकाएक बहुत तेजी से पिछले 3-4 सालों से शिफ्ट ये आया है कि जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी के दूसरे नेता लोग हैंडल कर रहे हैं, और एक अलग से डेडिकेटेड टीम पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए सरकार में निर्धारित कर दी गई है, जो कि एकदम डेडिकेटेड वे में, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो जयशंकर प्रसाद जी, आप देखिए पिछले 2-3 सालों में इंटरनेशनल लेवल पे भारत का जितना प्रभाव पड़ा है या इंटरैक्शन हुआ है, चाइना जैसे देश को भी हम लगातार कंटेंट करते चले जा रहे हैं, जवाब देते जा रहे हैं, अपनी रणनीति से उसकी रणनीति को पस्त करते चले जा रहे हैं। मैं एक चीज सुन रहा था यहाँ पे, यूएसए ने बोला कि हम कुछ इस तरीके से रिश्ता बनाएंगे कि यूएसए का भी, ताकि हित और सुरक्षा जो है उसमें निहित रहे और भारत का भी। यूएसए अपनी सुरक्षा के लिए भारत के ऊपर निर्भर कब से रहने लगा है? यूएसए की नीतियां क्या है वो हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन आज कम से कम यूएसए को लग तो रहा है कि बिना भारत के यूएसए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से रशिया है, इस फर्क को समझिए। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की कि विदेश दौरों में चेंज तो आया, अच्छा दिक्कत इसी से है, कोई चीज नहीं हुआ करती थी जी, आज प्रायोजित हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारे साथ देखे मिश्रा जी थे जी, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे जो है माननीय है, आराध्य है, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। लेकिन मुझे पता है कि जितनी बढ़िया बैठक वो भाजपा के लिए कर लेते हैं, वो उसमें शायद भाजपा का स्वागत भी नहीं कर सकता जी। वो जो है ज्ञान के सागर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है
वो भाजपा के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात का दुख है। इसमें कमी तो आपकी है ना सर, मिश्रा जी को आप अपनी तरफ कर ही नहीं पा रहे हैं, कमी तो आपकी है इसमें। ऐसा नहीं है त्रिपाठी, आप बताइए नमस्ते ट्रंप से देश को क्या हासिल हुआ, हाउडी मोदी से जो है देश को क्या हासिल हुआ? नहीं, किरोड़ी सिंह जी ने और प्रवीण जी ने बताया क्या हासिल हुआ उससे। देखिए देखिए देखिए, मतलब पेट में दर्द होने में सच्चाई नहीं सुन सकते हैं आप, देश की आवाज को। मैं एक मिश्रा जी से पूछता हूँ क्या मिला इससे, मिश्रा जी संदीप जी पूछ रहे हैं क्या मिला आपके, आपको कुछ जानकारी है क्या मिला ये जो मोदी जी ने इतने बड़े कार्यक्रम किए? मिश्रा जी आपको बता रहे, संदीप जी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जी, वैश्विक परिवेश में अगर आपको रहना है, रिलेशनशिप ग्लोबल या इंटरनेशनल रिलेशनशिप डायनामिक्स और स्ट्रेटजी को अगर आप समझें, हो सकता है कई बार मुलाकातों का जब दौर चलता है तो उसके प्रभाव या उसके रिजल्ट तुरंत नहीं आते हैं। एक बड़े दुख की बात है, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, मैं इज्जत के साथ ले रहा हूँ क्योंकि ये देश की बात है बीजेपी और उसकी नहीं, क्रायोजेनिक इंजन लेने के लिए अमेरिका गए थे और वहां पे ब्लंटली उनको मना कर दिया गया, और जब रशिया के पास गए तो अमेरिका ने रशिया को भी बोल के मना कर दिया। वो हमारे वैज्ञानिकों का और जो भी हमारे नेता मंत्री वगैरह थे, मैं पूरे देश की सफलता थी कि हम लोगों ने अपने आप से बनाया। एक दिन वो था, मैं वहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि राजीव गांधी जी कांग्रेस के तरफ से गए थे, वो कांग्रेस का फेल्योर था, वो पूरे देश के लिए एक धक्का था कि इतना ब्लंटली मना करना। आज क्या है, जी हजूर करके ऑस्ट्रेलिया फ्रांस अपने आप दे रहा है कि भाई बताइए हम आपको क्या दें, इसराइल अपने आप सब कुछ देने के लिए तैयार है, अमेरिका बाहें उठा फैला के बैठा हुआ है कि सर बताइए हम आपको क्या दें। प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, अरे कोई रडार या कुछ मिल रहा है, ड्रोन मिल रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी खड़े होकर फोटो थोड़ी खिंचवाएंगे, वो हम लोगों की सुरक्षा, एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए वो बहुत जरूरी है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट और इम्पैक्ट, हमने हजारों जहाज रखे हुए हैं फाइटर प्लेन। अब कांग्रेस के लोग अगर ये बोले कि भैया हमें तो बैठने के लिए या जनता को बैठ के उड़ाने के लिए तो दे ही नहीं रहे हैं, अरे वो राफेल और ये जितने भी उपकरण आ रहे हैं उससे जो सेफ्टी की फीलिंग और जो डिटरेंस डेवलप होता है, जो अप्रत्यक्ष होता है, जो लेटेंट होता है, जो जल्दी दिखाई नहीं देता है, ये सारे लेटेंट बेनिफिट हैं। आप ये बताइए, वहीं पे इमरान खान है, वो तो तरस रहे हैं कि एक फोटो उनकी कोई जो है पब्लिश कर दे, कहीं पे भी हो जाए, कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा उनके देश की मीडिया उनको क्रिटिसाइज कर रही है। दूसरे ऐसे तमाम देश पड़े हैं जहां पे कि उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है ग्लोबल कम्युनिटी में, आप मुझे ये बताइए ना। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज को केवल एक पैरामीटर पे, मैं त्रिपाठी जी को बताना चाहूंगा, देखिए है क्या जो सनातन सिद्धांत था कि भारत को कैसा करना चाहिए पूरे दुनिया में, मतलब सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का, वो अब की बार परिलक्षित हो रहा है, उसको उसका क्रियान्वयन हो रहा है। कैसे हो रहा है, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की एक किताब है, एक कहानी है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घूमने के क्या फायदे हैं। भारत विश्व गुरु था तो इसलिए था क्योंकि उस वक्त अशोक ने भी भेजा अपने पुत्र संग पुत्री संग मित्रा और अपने पुत्र को भेजा कि जाओ दुनिया घूमो। दुनिया घूमने के फायदे हैं, बसरते हाँ कि दुनिया घूमने के लिए आपका मतलब ये हो जाए कि चलो ननिहाल घूम के आ जाए तो उससे फायदा नहीं होगा। अगर आप एक स्ट्रेटजिक विजन से दुनिया घूमेंगे तो उसके फायदे हैं, उसके फायदे एक एक जनता तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फॉरेक्स रिजर्व आज इतना बढ़ा हुआ है, हालांकि भारत की इकोनॉमी को मैं अब भी जो है 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानता हूं, लेकिन ग्रोथ ऐसे ही होता है। एक जमाना था नरसिम्हा राव वगैरह के जमाने में कि हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, मनमोहन सिंह जी जो उस वक्त मेरे ख्याल से शायद वित्त मंत्री थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उस जमाने से लेके इसमें त्रिपाठी जी ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकारों ने काम नहीं किया, योगदान उनका भी है, एक एक आदमी का योगदान है। लेकिन आज स्थिति अगर हार्डकोर पैरामीटर के हिसाब से बेहतर हो रही है तो उसमें सवाल उठाने की क्या बात है, कम से कम विदेशी मुद्दों पर तो एकजुटता दिखानी चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैंने राजीव गांधी जी की तारीफ की, वो एक अच्छी नीयत से गए थे तो उसमें मुझे क्या गलती है अगर राजीव गांधी जी देश को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं और कोई सफलता मिल रही है। इसी तरीके से आज जो प्रधानमंत्री हैं अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत बनाने के लिए जा रहे हैं वहां पे, और जो देश एक ऐसा देश अमेरिका जिसने पासपोर्ट और वीजा पे रोक लगा दी थी नरेंद्र मोदी के, उस वक्त वो नरेंद्र मोदी थे मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज वो उल्टे पांव आकर के निमंत्रण देकर के बुला रहा है, तो क्या आप इससे गौरवान्वित नहीं होंगे? आज भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे तो आपको बढ़ी हुई लग रही है कि नहीं लग रही है? बगल में आप देखिए जिससे सबसे ज्यादा प्रेम कांग्रेस करती है पाकिस्तान,
वहां के प्रधानमंत्री की पतलून उतार करके तलाशी ली जाती है, और आपके यहाँ का कोई जाता है तो एक नॉर्मल आदमी की भी उतनी तलाशी नहीं ली जाती है। इस फर्क को महसूस कीजिए त्रिपाठी जी। देखिए आप कांग्रेस है, पहले आप भारतीय हैं, जवाब दे दूं इसको महसूस करिए, जवाब मत दीजिए, महसूस करिए, वंदे मातरम बोलिए, जय हिंद बोलिए, जय सनातन बोलिए, जवाब और सवाल इसमें नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय मुद्दों पे जवाब जवाब और सवाल नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री वहां भाजपा का झंडा लगा के नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी पे, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज पे भाजपा का झंडा नहीं लगा हुआ है, वहां पे अपने भारत देश का झंडा लगा हुआ है। जी जी, तो बात केवल देश की करिए, जिस दिन वो भाजपा का झंडा लगा के जाएंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा।